ये देखिए, 1 साल 7 महीने इसने खुद अपनी माँ का जो दूध पिया था वो पिया था। 1 साल 7 महीने इसी का बेटा जो है महादेव, वो यहाँ पर बस बस। और ये खोल दिया गया है महादेव को। तो तख्ती ने भी अपनी माँ का इसी तरह से दूध पिया था 1 साल 7 महीने तक। तो आज जो तारीख है, दिनांक है, वो है 12 अगस्त, सावन का महीना है। और आप स्वयं देखें कि देसी गायें कितने लंबे समय तक दूध देती। माँ और बेटे तकरीबन एक ही हाइट पर जा चुके हैं, एक ही हाइट पर। तो 17 महीने तख्ती ने अपनी माँ बूढ़ी माई भारती को वहाँ पर खड़ी उसका दूध पिया था। और ये खुद फर्स्ट टाइमर है, 17 महीने तक ये दूध पिला चुकी है। तो हमें जो आशाएं थी कि 17 महीने तक अगर दूध पिला देगी तो भी एक बात होगी, तो इसने 17 महीने आज पूरे कर दिए। और ऊपर कितने दिन पिलाती है वो और देखना बड़ा रोमांचक रहेगा। और तख्ती जो है अभी गर्भवती है, 3रे माह में ये गर्भवती है। तख्ती को जो गर्भधारण इस बार करवाया गया है वो शंकर यहाँ पर। तो सावन के महीने में भगवान महादेव का ये महीना है। और इसी में पवित्र महीने में ये देखे माँ अपने बेटे को दूध पिला। तख्ती 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 माँ और बेटा तकरीबन एक ही हाइट पर जा चुके हैं। तो पिछली बार तख्ती को राजा से प्राकृतिक गर्भाधान करवाया गया था, इस बार शंकर से इसका प्राकृतिक गर्भाधान करवाया गया है। तो देखिए माँ अभी भी कोई जगह नहीं बदलती, कोई इधर उधर जा करके बेचैन नहीं होती है, पूरा ममत्व भाव से इसको दूध पिलाती है। तो शुरू के 6 महीने तक, जब तक भोली नहीं आई थी तब तक इसका दूध दो थनी से पिलाते थे, दो थन निकालते थे। लेकिन भोली आने के बाद पर्याप्त जब दूध हो गया था तो इसको पूरा दूध छोड़ दिया गया 6 महीने के बाद। शुरू से अगर इसको पूरा दूध पिलाते तो शायद अब तक और अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती थी। तो शुरू में 2 थन और उसके बाद फिर पूरा दूध। 1 साल 7 महीने आज 12 अगस्त को इसने पूरे कर दिए। ये देखें हम तकरीबन माँ बेटे का एक ही जगह जा चुका है। राजा की ये राजा लाइन से है, पेडिग्री चार्ट जो है वो उसका बाहर। तो
ऐसी गैर मान्यताओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान न दें। अच्छी लाइन अगर आपके पास है हरियाणा नस्ल की तो अच्छे परिणाम आपको देती है। और इन नस्लों के ऊपर जिस धैर्य पूर्वक जो कार्य होना चाहिए था पीढ़ियों तक, अगर वो होता तो इस नस्ल में भी काफ़ी काफ़ी दुधारू गायें सत्यता के साथ हमें देखने को मिलती।